अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कौन जब वो एनडीए में थे तो कई बार भाजपा ने इनको बुलाकर एक को बार पूछा कि क्या करना है नहीं करना है। उसी तरह अब इंडिया में आए हैं तो यहाँ भी कोई नहीं पूछ रहा है। पटना में जो बैठक हुई तो यहाँ लोगों ने बड़ा हल्ला मचाया, अरे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार हो गए, चेहरा हो गए। फिर वो नहीं हुआ तो कहा अच्छा इसके संयोजक हो जाएंगे, वो भी नहीं हुआ तो कहा अच्छा इसी का नामकरण नीतीश बाबू करेंगे। अरे इनको तो कोई पूछ भी नहीं रहा है अब, और क्यों पूछेगा। मान लीजिए इंडिया अलायंस है तो इंडिया अलायंस में सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, दूसरा बड़ा दल टीएमसी है, तीसरा बड़ा दल डीएमके है। नीतीश कुमार उसमें क्या ऐसा कर देंगे कि सब लोग इनको मान लेगा। तेजस्वी यादव खड़ा होकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री देश का कौन होगा, कोई पूछने वाला नहीं। भाई तुम्हारे सांसद है कितने, 543 के लोकसभा में आरजेडी के 0 सांसद हैं, और कह रहा है कि प्रधानमंत्री कौन होगा हम तय करेंगे। तो ऐसे हो गया हम यहां से बैठ के कहें कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन होगा। अरे अपने ही मुंह से कहना है तो देश का प्रधानमंत्री का है, अमेरिका का राष्ट्रपति भी आप ही तय कर दीजिए बिहार से। ये बड़बोले लोग हैं, आरजेडी के लोग बड़बोले हैं। कहता है देश का प्रधानमंत्री कौन है, भाई तुमसे पूछ कौन रहा है। तुम पहले 5 को सांसद अपना जिता लो, उसके बाद ना बताओगे कि कौन होगा नहीं होगा। और नीतीश कुमार का तो लोकसभा अभी चुनाव होगा, मैं रोज कैमरे पर कह रहा हूं इसके बाद जदयू का संपूर्ण विघटन शुरू हो जाएगा। उनकी राजनीति का ये अंतिम दौर है, कहानी खत्म। लोकसभा चुनाव तक जितना चलना है चला लीजिए, उनके दल में आप देखिएगा इतनी भगदड़ मचेगी लोकसभा के बाद। उस दल का अगर विघटन न हो जाए तो आप हमको बुला लीजिएगा, हम कैमरे पर नीतीश कुमार से खड़े होकर माफी मांग लेंगे। उनके दल का विघटन होना ही होना है लोकसभा चुनाव तक, जितना चलना है चलने दीजिए।